मोतीचूर लड्डू। मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए हमने ली है जो एल्युमिनियम फॉइल ट्रे, जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। और अब हम इसमें होल करेंगे। हमने होल करने के लिए यहाँ पर टूथपिक का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये आसानी से इसमें होल हो रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के साथ इसमें होल करने हैं। आप चाहे तो इसे आप पेंसिल से भी मार्क कर सकते हैं और बाद में होल कर सकते हैं। ये देखिए, सेम डिस्टेंस पर हमने इस तरह से होल करते जाना है। और ये हमने तकरीबन आधी से ज़्यादा ट्रे में अपने होल कर लिए हैं। और ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। और अब हम लड्डू बनाने का बैटर तैयार करेंगे। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, 8 से 10 बादाम छोटे पीसेस में कटे हुए, और 1 कप चीनी, 10 से 15 इलायची के दाने निकाले हुए, और 2 टेबलस्पून सूजी। सबसे पहले हमने बेसन को पानी से घोल लेना है। हमें इसमें थोड़ा पानी डालकर पहले इसका थिक बैटर तैयार करना है। जी देखिए, इस तरह से। अब देखिए, ये बैटर हमारा जो है वो बहुत ही थिक हो गया है। अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। हमें इसमें एकदम से ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो ये बहुत ही पतला हो जाएगा और इसमें लम्स भी पड़ जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। ये देखिए, इसका एक स्मूथ टेक्सचर इस तरह से तैयार करें। और इसमें थोड़ा पानी अब हम और डालेंगे और इसे और पतला करेंगे थोड़ा। ये देखिए, इस तरह से। इसका टेक्सचर हमें इस तरह से रखना है कि जो हमने एल्युमिनियम फॉइल के जो ट्रे है उसमें होल किए हैं, उसमें से आसानी से ये निकलता जाए। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा और स्मूथ टेक्सचर बन गया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा लड्डू का कलर जो है ऑरेंज, वो ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। और अब हम इसे लड्डू बनाएंगे। ऑयल हमारा पहले से ही गर्म है और अब हम अपनी ट्रे में 1 चम्मच भरकर, एक जो हमारे पास बड़ा चम्मच है वो भरकर हम इसमें बैटर का डालेंगे, जो हमने बेसन का बैटर तैयार किया है। ये देखिए, ये आसानी से बूंदी इसमें से निकल रही है। हमारे पास बूंदी की झरनी नहीं है, तो इसलिए हमने ये फॉइल से, जो फॉइल की ट्रे है उसी से ये काम चलाया है। और ये बहुत ही अच्छी और फाइन बूंदी बन रही है। और हमने एल्युमिनियम फॉइल की ट्रे पे सारी वे होल नहीं इसलिए नहीं किए थे कि हमारी जो कढ़ाई का जो एज है वो ख़राब ना हो बेसन से। तो ये देखिए आप, ये बूंदी जो है वो सारी की सारी कढ़ाई में ही गिर रही है, बाहर नहीं, और ना ही कढ़ाई के एज पर। ये देखिए, हमें इसे सिर्फ 50 या 60 सेकंड तक ही, मिनिमम 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए, ये बहुत ही फाइन बूंदी जो है वो बन गई है। और बूंदी हमारी ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। और अब हम इसे निकालेंगे। हमने इसे निकालने के लिए चाय की पोनी जो होती है उसका यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक बूंदी है तो ये झरनी से कंट्रोल नहीं होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर पोनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सीप की हेल्प से इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही बारीक, बहुत ही अच्छी मोतीचूर वाली जो बूंदी है वो तैयार हो गई है। इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट पैटर्न जो है वो भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे।
जो देखिए दोबारा से हमने जो पेट्रोल भरा है इसमें, और जो देखिए इस तरह से हम इसे को कढ़ाई के आंच के साथ टकराएंगे और अच्छी और फाइन बूंदी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। हमने इसका होल का डिस्टेंस इतना रखा है कि बूंदी जो है वो आपस में चिपके नहीं, अलग अलग आराम से निकले। और ये देखिए ये बहुत ही अच्छी बूंदी जो है वो फ्राई हो रही है। और ये फिर 50 और 60 सेकंड में जो है वो पके है। और हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना होगा, अगर हमने इसको ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा कर लिया तो हमारे जो लड्डू है वो बनेंगे नहीं, तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये भी ध्यान रखें कि हमें इसे बहुत ज़्यादा तेज आंच पर भी नहीं पकाना है, मीडियम हीट पर ही इसे पकाएं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाती है। अब देखिए जी हमारी सारी बूंदी जो है वो पककर तैयार हो गई है, और अब हम शीरा बनाएंगे। शीरा बनाने के लिए हमने लिया है जहाँ पर 1/2 कप वाटर और 1 कप शुगर। आप सेम उसी कप से नाप सकते हैं, और जिस कप से आपने चीनी मापी है उसी कप से 1/2 कप आप पानी दीजिए। और इसमें अब हमने इलायची के दाने जो है वो डाल दिए हैं। जी देखिए जी बॉईल हो गया है और हमारा जो सीरा है वो रेडी हो गया है, और अब हम इसे एक बड़े पैन में निकाल देंगे। और साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा और फूड कलर ऐड करेंगे, जो हमने थोड़ा सा रेड कलर लिया है। अब हम इसमें अपनी जो हमने बूंदी फ्राई की थी वो डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे दोबारा थोड़ा टाइम हीट पर रखेंगे। और ये देखिए ये हीट पर रखने के बाद बॉईल हो रही है। हमें इसे कुछ 8 से 10 मिनट तक हीट पर रखना है। ये देखिए जब तक कि इसमें से जो हमारी बूंदी है वो सारा जो शीरा है वो अपने में अब्सॉर्ब ना कर ले, इसे थोड़ा देर हम ढक देंगे। ढकने के बाद ये देखिए इसमें से हम बीच बीच में से चेक करेंगे। ये देखिए हमें इसमें थोड़ा शीरा जो है वो नज़र आ रहा है। अब हम इसे थोड़ा ढक्कन उठाकर ही चलाएंगे। ये देखिए इसे हमें थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है और देखना है कि शीरा जो है वो एकदम से जैसे ही हमें कम होता हुआ नज़र दिखाई दे तो हमें इसे गैस बंद कर देनी है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब देखिए जो शीरा है वो बूंदी ने बिल्कुल ही अब्सॉर्ब कर लिया है, और अब हम गैस को बंद कर देंगे और पैन को नीचे उतारेंगे और इसे ठंडा होने के लिए 1/2 घंटा तक छोड़ देंगे। अब देखिए 1/2 घंटे के बाद हमारा जो बूंदी है वो बिल्कुल ही ठंडी हो गई है, और अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। और उससे पहले हम जो हमने बादाम काट कर रखे हुए थे उनको हम इसके बीच में मिक्स कर देंगे। जो देखिए हमने बूंदी में अपने बादाम जो हमने क्रश करके रखे थे उसको मिक्स कर दिया है। तो आप चाहे तो इसकी जगह जो खरबूजा के मग्ज होते हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। इस तरह से चमचा भर बूंदी जो है आप अपने हाथ में उठाएं, और लेमन शेप के जो लड्डू हैं वो हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से आप इसे रोटेट करें, अगर आपको एक हाथ से नहीं बन रहा है तो आप 2 हाथ से ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप लड्डू तैयार करें, और अब हम बाकी के लड्डू भी इसी तरह से बनाएंगे। जी हमने नींबू के साइज़ का लड्डू तैयार किया है, और ये देखिए बूंदी का टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा आया है।
जी ऐसे लग रहा है जैसे कि ये मोतियों से बने हुए लड्डू हों और इसीलिए इसका नाम मोतीचूर लड्डू है। सो आप भी इसी तरह लड्डू बनाएं और अपने परिवारजनों और अपने गेस्ट को सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।